चल जाएगा भाई, तार जोड़ लो स्पीकर में। और जोर से बोलूं, मुझे लग रहा है ज्यादा गर्मी हो रही है यहां। मंच पे विराजमान आदरणीय रामगोपाल जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी, हमारे इस गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुख नेतागण, अभी इंतजार हो रहा है बंगाल से फाइटर दीदी का, ममता जी का, जिन्होंने नारा दिया मां माटी मानुष, और तमाम कोशिशों के बावजूद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम किया बंगाल से। अगर आपकी अनुमति हो, बनारस की जनता की अनुमति हो, तो उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मैं नमन करता हूं। और आप सभी लोगों को प्रणाम। हमारे यहां ये मान्यता रही है कि जो भी प्रार्थना समाज के बीच से होती है, सामूहिक तौर पे अगर कोई प्रार्थना होती है, तो वो पवित्र भी होती है और वह कामयाब भी होती है। और इसलिए चुनावी सभा में सबसे पहले, सबसे प्रथम मैं अपने ओर से प्रार्थना करता हूं, और इस प्रार्थना में हम सब लोग शामिल हों। आज विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध के संकट का सामना कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी नेता मानव जाति से हो रहे नुकसान को समझें, हिंसा के रास्ते को छोड़कर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहें। और मेरी प्रार्थना है कि भारत के नागरिक जो यूक्रेन में बड़ी संख्या में अभी भी नौजवान फंसे हुए हैं, मेरी प्रार्थना है कि सभी वह नौजवान सुरक्षित अपने घरों तक लौट सकें। दिखावा तो बहुत हो रहा है, और चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन गंगा का नाम देकर चुनावी राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश भी की है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, लगभग 3 दशक पहले जो कुवैत में वॉर हो रही थी, तब लाखों लोग हमारे भारत के वहां उस वॉर जोन में फंसे थे, बसें लगाकर उनको कुवैत से जॉर्डन ले जाया गया, और फिर जॉर्डन से हवाई जहाजों के माध्यम से भारत वापस लाया गया। और पूरे दुनिया ने हमारे उस समय उस प्रयास को सराहा था, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो इवैक्यूएशन की चर्चा हुई थी, तब कोई नाम नहीं दिया गया था। लेकिन अब नाम दिया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सत्ताधारियों की नजर यहां सिर्फ गंगा पे और यूपी के चुनाव पर है, यूक्रेन में फंसे हुए नौजवानों पे उनकी नजर, उनकी फिक्र नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब गंगा जैसा नाम रखा है तो अंत भी अच्छा होगा, और हमारे सभी नौजवान सुरक्षित लौटेंगे। ये बनारस की धरती पे विशाल कार्यक्रम हो रहा है, मैं बधाई देता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी अभी बोल रहे थे, सिंबल हमारे अलग अलग हैं, और अब इस दौर में जो अब 7वां दौर होगा 7 तारीख को, इसमें आपको चुनाव करना है, कहीं लिफाफा है, कहीं छड़ी है, और कहीं साइकिल का निशान है। हमारी लड़ाई एक, हम सबकी लड़ाई एक, और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। बनारस की राजनीतिक धरती है, बनारस धर्मनगरी भी है, और जब बनारस कोई आने की सोचता है तो कल्पना करता है अविरल गंगा की, बनारस के विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की। जब कोई बनारस आता है तो बिस्मिल्ला खान की शहनाई की आवाज कानों में चलती है, रविशंकर जी के सितार, गिरजा जी का मधुर संगीत, पंडित विकास महाराज जी का सरोद, ये आज भी जो है हमारे, कोई बनारस आता है तो कानों में चीख चलती है। तो हम सब के लिए बनारस की धरती पवित्र है, करिश्माई है,
और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि ये किसानों की धरती है, ये बनारस चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही है। और आज भी यहाँ गांव देहात में आप जाएंगे और देखेंगे कि हर घर में तस्वीर अगर एक सरदार पटेल जी की लग रही है तो चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर भी अभी तक आपने अपने घरों में लगा रखी है। तो इसलिए मेरे लिए परम सौभाग्य है कि बनारस की धरती पे आज आपके बीच आकर मैं संदेश दे पा रहा हूं। आपको फैसला लेना है, और चूंकि हम पश्चिम से चुनाव लड़कर आपके बीच में आ रहे हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि चुनाव में काबा, पूछ सकते हो ना चुनाव में काबा। मैं बता दूं चुनाव में काबा, चुनाव में गठबंधन बा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश बा। और आज बनारस की इस धरती पे जब ममता दीदी आएंगी तो खेला भी होए बेना, ममता दीदी का खेला भी होए बेना। बात तय हो चुकी है, आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और लोगों ने तय कर लिया इस बार जो हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे उसकी दो प्राथमिकता होंगी। सबसे पहले किसान का सम्मान, किसान का सम्मान, और सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले होगा प्रदेश का नौजवान। ये दो ही चीज हैं, ये दो चीज हैं। आपने 5 साल की बाबा की सरकार देखी, मोदी जी केंद्र में है, दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार दी है। मैं पूछना चाहता हूं बनारस की धरती पे क्या जो धान की पैदावार आप करते हो क्या खरीद हो रही है, क्या एमएसपी भाव किसानों को मिल पा रहा है, क्या आपकी आय जो 2022 में दुगनी होने वाली थी दुगनी हुई है। और इनके शासन में हम भूल नहीं सकते किस तरह से किसानों को कुचला गया, लखीमपुर के नरसिंहार को कोई नहीं भुला सकता। यही बनारस के लोग उस समय आगे आए थे, चंद्रशेखर आजाद पार्क में यहाँ के नागरिकों ने 700 किसान परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। और यहाँ विश्वविद्यालय में छात्रों ने जब मौन जुलूस निकालने की कोशिश की तो लखनऊ से योगी जी ने आदेश दिया और यहाँ के पुलिस ने उन बच्चों पे मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने हिम्मत करी। यानी जो किसान का साथ देगा, जो किसान की बात करेगा, 5 साल से सरकार ने उन पे लाठी चलाई है, उन्हें कुचलने का काम किया है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। और जब जब नौजवान नौकरी मांगने गए, बताओ कितने साल से भर्ती नहीं हुई, भर्ती निकलती है नौकरी नहीं मिली। और सेना की भर्ती, नौजवानों कितने सालों से सेना की भर्ती नहीं हुई है, नहीं हुई है, लंबित भर्तियां चल रही हैं हर विभाग में, आप पे भी लाठी चलाई। तो ये वक्त है कि किसान, किसान के सम्मान और नौजवान के सम्मान और रोजगार को दिल में रख के आपको वोट की चोट देनी है। ये वो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी थी उन किसान परिवारों को न्याय दिलाने की, लेकिन आपने देखा कि लखीमपुर में किसानों को बेल नहीं मिली, लेकिन जो किसान के नजर में हत्यारे हैं मंत्री के बेटे टेनी, आज वे बाहर घूम रहे हैं और उनके बेल का विरोध भी योगी जी नहीं कर पाए। मैं दावा करता हूं अगर किसानों को बेल मिल गई होती तो योगी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में उस बेल का विरोध करने जाती, लेकिन योगी जी की सरकार टेनी को जब बेल मिली, किसान के हत्यारों को जब बेल मिली, उसका विरोध करने भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। वहां के परिवारों ने खुद पैसा जमा करके, वकील खड़ा करके आज खुद वह लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, सरकार उनकी कोई सुनती नहीं, मानती नहीं। भाई मैं तो खूब चिल्ला रहा हूं, आवाज जा रही होगी चलो समझ लोगे फेसबुक पे देख लेना बाद में। और आपका जोश तो बता रहा है, आप तो मन बना के ही आए हो, हाथ में भी गदा लिए आए हो, पार्टी का झंडा है, पार्टी की टोपी है, हाथ में गदा है, तुमसे कौन मुकाबला करेगा भाई।
तुम्हारा तो काम हो रखा है पहले ही, 7 तारीख में आपको मतदान करना है। मुझे पसीना आ रहा है, बाबा जी ने गर्मी बहुत कर दी है। आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि सामने वाले मदारी हैं, मदारी बहुत तरीके से झूठ बोलते हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं और फिर उनके पीछे अंधभक्तों की टोली है, उनकी नाकामी को भी बताते हैं कि उनकी उपलब्धि। अगर आप उनको गड्ढा दिखाओगे, यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है, गड्ढे हैं ना, लखनऊ में बैठ के कहते हैं गड्ढे भर दिए। अगर आप उनको गड्ढा दिखाओगे तो अंधभक्त कहेगा नहीं नहीं ये गड्ढा 70 साल से तो इससे बड़ा गड्ढा था, ये तो मोदी जी ने छोटा गड्ढा बनाया है जनता के लिए। तो ये इनकी बात का तोड़ हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर ढूंढना होगा। और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी का बस चले तो एक दिन योगी जी को भी कंघा भेज देंगे। योगी जी का कंघा से क्या काम है, कोई काम नहीं, उन्हें भी कंघा भेज देंगे। तो बातों का तोड़ आपको ढूंढना होगा। और बाकी बाबा जी की मैं क्या कहूं, बाबा जी तो मोगैम्बो वाले डायलॉग देते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी निकालनी है। यहां बनारस की प्रसिद्ध मिठाई है जो सर्दी में बनती है, मलोइया, क्या कहते हैं मलोइया, वो सर्दी के 2-3 महीने में मिलती है और वो ओस से बनती है, दूध होता है उसमें, पोषण होता है, और जब वो खाते हैं सर्दी में तो बदन को गर्मी मिलती है। मैं बाबा जी को कहूंगा कि आप हमारी क्या गर्मी निकालोगे, ये बनारस के नौजवान 7 तारीख में ऐसी आपकी गर्मी निकालेंगे, अगर आपको सर्दी में मिठाई खानी चाहिए थी बनारस आकर। अगर आप सहमत हो तो 10 तारीख को नतीजा निकलेगा, गोरखपुर एक अच्छा सा कंबल बना के उनको दे दूं, एक अच्छा कंबल खरीद दूं बाबा जी के लिए, उन्हें जरूरत पड़ सकती है। ये तो मोगैम्बो वाला भाषण देते हैं, बाबाओं के नाम अलग अलग होते हैं। अब योगी जी को कोई योगी जी कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई बुलडोजर बाबा कहता है, आज मैंने नया नाम दे दिया, बाबा मोगैम्बो वाले। क्या है, बाबा मोगैम्बो वाले। तो मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थी किसी ने, यहां बच्चों ने देखी थी, ऐसा वोट दो 7 तारीख में, क्या आपका काम भी हो जा और मिस्टर इंडिया की घड़ी बाबा जी को पहना के प्रदेश की राजनीति से उनको गायब कर दो। आवाज नहीं आ रही, माइक की दुरुस्त करना पड़ेगा, आवाज आगे नहीं आ रही, इसे दिखवा लो। मुद्दे आपको पता है, कानून व्यवस्था पे बड़ा दावा करते हैं। सबसे पहले अगर कानून व्यवस्था सुधारनी है तो जो वर्दी पहने हमारे जवान हैं इनका भी ख्याल रखना होगा, जो सरकार के नौकर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए नौकरी कर रहे हैं, उनकी वर्दी की पहचान हो, अपने वर्दी के असूलों से, सिद्धांतों से उन्हें कभी समझौता ना करना पड़े, ईमानदारी से वो सेवा कर पाए। और मैं इन पुलिस कर्मियों को याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह ने देश में पहला पुलिस आयोग का गठन किया था, और जब जब उन्हें मौका मिला बहुत सख्त प्रशासन उन्होंने दिया। जनता को याद होगा जब चौधरी साहब को मौका आपने दिया था, एक बार संकट की घड़ी पैदा हुई, 27,000 पटवारियों को बाहर करके उन्होंने लेखपालों की जब भर्ती की, कोई नहीं सोच सकता था ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं सोच सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था। लोग कह रहे थे दबाव बनाओ तो चौधरी साहब झुक जाएंगे, और इस क्षेत्र में उस समय की कहावत है चौधरी साहब को लेके कि चरण सिंह धान पछोरलन बिना टूट कूटले, चरण सिंह धान पछोरलन बिना कूटले, पटवारी बस्ता रखी दहलन बिना पूछ ले। इसी क्षेत्र की कहावत है, हर 23 दिसंबर को जब अखबार पढ़ता हूं बनारस के अखबार में छापी जाती है। चौधरी चरण सिंह जी के उस शासन को याद करो, आपने चौधरी चरण सिंह जी देखे, करीब से देखे, आपने चौधरी अजीत सिंह जी देखे, आपने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को देखा है, आपने अखिलेश यादव जी को अपने बीच देखा है, आज हम लोग सब आपके यहां आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि जब हमारे दोनों परिवार मिलकर साथ काम कर रहे हैं, जब गठबंधन साथ मिलकर काम कर रहा है, तो जो हम मशाल जलाएंगे उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हर प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति के घर और मकान तक पहुंचेगा, आपके घर तक उसका प्रकाश पहुंचेगा। हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। और बहुत तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, पांच चरण में तो सरकार गठबंधन की बन चुकी है। हमारी गठबंधन की सरकार पांच चरण में बन चुकी है, आज छठवां चरण और है। और फिर बनारस के क्षेत्र से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा आशीर्वाद आप देंगे, ताकि बड़ी संख्या में हमारे विधायक बने, बड़ी संख्या में हमारी सरकार ताकतवर बने, और हम किसान और मजलूम और गरीब शोषित वर्ग वंचित समाज के लिए काम करें। चौधरी चरण सिंह, बाबा भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के आदर्श को जिंदा रखें, यही मेरे लिए आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।